हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के क्लास 8 के सैम्पल पेपर, जिसे कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था 8th क्लास के सिलेबस एंड सैम्पल पेपर के लिए। तो सिलेबस की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और आज मैं इसके सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ, जिसका एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट से क्लास 1st से 5th तक 22 मई एंड क्लास 6 to 10 15 मई ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और एक पेपर की ही इसमें एग्ज़ाम है। और अदर्स इस एग्ज़ाम से संबंधित डिटेल्स मैंने दूसरे वीडियो में बनाकर डाल रखे हैं, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे अवश्य देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ये वीडियो में 8th क्लास के फुल सिलेबस आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स, टोटल मार्क्स आर 100, क्वेश्चन पेपर कंटेन 50 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस नंबर्स 1 to 9, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी 10 to 21, मैथमेटिक्स 22 to 33, बिलोंग्स टू साइंस 34 to 45, बिलोंग्स टू इंग्लिश एंड 46 to 50 आर स्कॉलर सेक्शन। इस सेक्शन कैरी निगेटिव मार्किंग। प्लीज़ लीव द क्वेश्चन इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट आंसर। अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस डू नॉट अट्रैक्ट निगेटिव मार्किंग। आंसर आर टू बी गिवन ऑन ए सेपरेट OMR सीट। रफ वर्क कैन बी डन एनी वेयर इन द बुकलेट बट नॉट ऑन द OMR सीट और लूज पेपर। फर्स्ट सेक्शन, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 मार्क विल बी डिटेक्ट फॉर द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 8s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स सीरीज विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएटली प्रोसीड नंबर एंड आल्सो डिविजिबल बाय इमीडिएटली सक्सीड नंबर। ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 3 एंड डी 2। सॉल्व द क्वेश्चन एंड चेक योर आंसर। आंसर की इज गिवन टू एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, विच इमेज विल कम एट द प्लेस ऑफ लुक एट केयरफुली पिक्चर्स एंड सॉल्व देम। क्वेश्चन नंबर 3, इफ PAINT इज कोडेड 74128 एंड XL इज कोडेड एज 93596, हाउ यू एक्सपेक्ट कोडेड। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4, 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल ईच एट वन कॉर्नर एंड आर द फेसिंग द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल। ए इज सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज नेबर ऑफ सी एंड डी, ई इज सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी, विच वन इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए। ऑप्शन ए, डी, बी, ई, सी, सी डी एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, गेस द नेक्स्ट इमेज ए बी सी एंड डी। सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स पी क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई क्वेश्चन मार्क डी ई डी सी, सो चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डिफ इज कॉल्ड ब्लाइंड, ब्लाइंड इज कॉल्ड लैम, लैम इज कॉल्ड डम एंड डम इज कॉल्ड हैंडी कैप, देन वाट विल यू से टू अ मैन हु इज अनेबल टू सी। ऑप्शन ए, ब्लाइंड, बी, हैंडी कैप, सी, डिफ, डी, लैम। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुनीता सेड सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर, हु इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सुनीता। ऑप्शन ए, हरसेल्फ, बी, डॉटर, सी, सिस्टर, डी, आंट, चूज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 2, मैथमेटिक्स। 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 0.50 मार्क्स विल बी डिटेक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। 10, इफ पी एंड क्यू आर परफेक्ट स्क्वायर देन पी बाई क्यू इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, इज द स्टेटमेंट ट्रू। ऑप्शन ए, फॉल्स, बी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी, ट्रू, डी, नन।
Question number 11. The number n is to be added to be given to the given list. If n is an integer, which of the following could be the median of the new list of 7 number? 3, 4, 6, 7, 10, 12. Option A, 3 and 10, B, 4 and 12, C, 6, 7, D, 5 and 6. Solve the questions. Question number 12. Radha's picture frame is 18 cm by 60 cm, then find its diagonal. Option A, 90 cm, B, 100 cm, C, 90 cm and D, 75 cm. Question number 13. X minus 1 is equal to 2 upon x minus 2. Option A, x is equal to 4, B, x is equal to 0, C, x is equal to 6 and D, x is equal to 3. Question number 14. In the standard form of rational number is common factor of numerator and denominator is always option A, 2, B, minus 2, C, 1, D, 0. Question number 15. In the following figure is the bisector of interior angles of the parallelogram PQRS enclosed a quadrilateral ABCD. Find angle ADC. Option A 60, B 90, C 30, D 45. Question number 16. Manisha want to buy a book that cost rupees 150. She has rupees 42 saved already. She can earn rupees 6 and hours by the babysitting on weekend. How many hours must Manisha work to save the money she needs? Option A 15 hours, B 9 hours, C 18 hours, D 22 hours. Question number 17. If x is equal to, then the value of x is equal to option A 8, B 5, C 3, D 9. Question number 18. Find the list number that must be subtract to make the number of perfect square 7250. Option A 35, B 45, C 25, D 9 of these. Question number 19. What will be the value of 3 plus 2 into 10 minus 4 divided by 2 minus 1 is equal to option A 30, B 8, C 14 and D 15. Question number 20. If the cost of an object is directly proportional to the square of number of objects sold, if cost of 20 object is rupees 2000, then find the cost of 45 objects. Option A rupees 1245, B rupees 10125, C rupees 25500, D rupees 1025. Question number 21. Ram gets three marks for each correct sum and lose 2 marks for each incorrect sum. He does 24 sum and obtains 37 marks. What was the number of correct sum? Option A 30, B 17, C 19 and D 22. Section 3. Science. 2 marks for correct answer and 0.50 mark will be detect for wrong answer. 22. What is the splitting of the compound using electricity called? Option A electrolysis, B electrochemistry, C electrolyte and D electrokinesis. Solve the questions and check your answer. Answer key is given end of the video. Question number 23. Lysosomes are also called option A digestive bag, B suicide bag, C scavengers of the cell and D all. Question number 24. The substances that are transported through umbilical cord is option A carbon dioxide, B urea, C antibodies, D all of these. Choose the correct answer.
क्वेश्चन नंबर 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉन्ड सेल. ऑप्शन ए एस्प्रोग्रिया, बी वाटर सेल, सी मरमेड स्ट्रेसेस एंड डी ऑल. क्वेश्चन नंबर 26. विच सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी राइबोसोम, डी लाइसोसोम. क्वेश्चन नंबर 27. इज अ मेडिकल प्रोसीजर यूज प्राइमरी इन द पैरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज एंड फेटल इन्फेक्शन एज वेल एज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. ऑप्शन ए फोर्सेप्स, बी एमिनोसिनेटिस, सी कैसेरियन एंड डी नन. क्वेश्चन नंबर 28. कार्निवेरस प्लांट अट्रैक्ट कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट. व्हाट मेक कार्निवेरस प्लांट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स. ऑप्शन ए दे कैन नॉट रिस्पायर लाइक अदर प्लांट्स, बी दे कैन ग्रो फास्टर देन अदर प्लांट्स, सी दे कैन ग्रो इन न्यूट्रिएंट पोर सॉइल एंड डी दे कैन ग्रो इन वेरी कोल्ड रीजन्स. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ प्लॉचिंग. ऑप्शन ए इट टर्न्स ओवर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट टू द सर्फेस, बी प्लॉचिंग इम्प्रूव्स द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सी इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो डैट रूट्स कैन रेस्पिरेटरी ईजली एंड डी ऑल. क्वेश्चन नंबर 30. ए स्टोन इज सस्पेक्टेड Lias is the most common probiotic found in. Option A yogurt, B pulse, C both and D none. Question number 33. If the rate of change of the momentum is small, what will be the net restraint force? Option A the net restraint force will also be small, B the net restraint force will also be big, C the net restraint force will also be equal and D none of these. Section 4 English. 1.5 marks of correct answer and 0.5 marks will be detect from the wrong answer. 34. Identify the tense of the sentence given below. I wrote articles on different topic. Option A past indefinite tense, B past continuous tense, C past perfect continuous tense and D past perfect tense. 35. Choose the option which best expresses the given sentence in indirect speech. He said, I know a bitter soap. Option A. He said that he had knew a bitter soap. B. He said that he knew a bitter soap. C. He said that I knew a bitter soap. And D. He said that he had know a bitter soap. Question number 36. Choose the correct option to complete the conversation of dialogue. Rhea, with knee improvements every year in the cyber world, parents have to blank to continuously know if their kids are safe and sound. Option A, safe their own skin. B, have eyes and back of their heads. C, big eyes. D, none. 37. You can always Radha for suggestion. Count up, put on, count on. 38. Give the adjective meaning of the I don't say phrase given the below. To get cold feet. To be a fear. To fall ill or sick. Feet which are cold. To become heartless. Question number 39. How many nouns are there in the sentence given below? Ramesh gave Rita a few exercises to solve. Question number 40. Choose the option which show correct position to of an adverb in a sentence. Ramesh was tall to reach the top rack enough. Enough Ramesh has tall to reach the top rack. Ramesh was tall enough to reach the top rack. Ramesh was tall to enough reach the top rack. And Ramesh enough has tall to reach the top rack. 41. Choose the most suitable option to complete the sentence. The property will be divided the three sisters between among in none of these.
क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड एडजेक्टिव्स. द वाइज हैंडसम ऑल हैड ऑरेंज आई. ऑप्शन ए वाइज हैंडसम, बी ऑल, सी ऑरेंज, डी वाइज हैंडसम ऑरेंज. क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. ऑप्शन ए बी सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. चूज द करेक्ट आंसर एंड सॉल्व द. 45, हाउ लॉन्ग यू नो रमेश एंड सीमा, वी मेट द कपल ओवर 20 ईयर्स एगो. ऑप्शन ए हैव यू नो, हैव यू नोइंग, वेल नोन, यू हैव नोन. सेक्शन 5, स्कॉलर सेक्शन. 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स विल बी डिटेक्ट फ्रॉम द रॉन्ग आंसर. 46, विच वुड टू मैक्सिमम हार्म टू अ ट्री. ऑप्शन ए द लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेज, द लॉस ऑफ इट्स बार्क, सी द लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स लीव्स, डी द लॉस ऑफ ऑल ऑफ इट्स लीव्स. क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ यू च्यू ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड लॉन्ग इनफ इट विल बिगेन टू टेस्ट स्वीट बिकॉज. ऑप्शन ए एमाइस इज द ब्रेकिंग डाउन स्टेज टू डिस्चार्ज, बी मेल्टेज इज ब्रेकिंग डाउन माल्टोज, सी लिपिड्स आर फॉर्मिंग फैटी एसिड एंड डी डिस एसिड्स आर फॉर्मिंग ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 48, 4 सर्कल फॉर रेडियस 1 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच अ वे ऑफ प्लेन पेपर सच डैट ईच टचेज फॉर अदर. फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस लेफ्ट बिटवीन द 4 सर्कल्स. ऑप्शन ए बी सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 49, इफ द 2 नंबर 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाई 5, इफ द सम ऑफ द नंबर इज द लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाई 6, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर्स. ऑप्शन ए 12, बी 34, सी 21, डी नन ऑफ दिस. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. क्वेश्चन नंबर 50, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. सो सॉल्व द क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर. आंसर की इज गिवन द एंड ऑफ वीडियो. सो दिस इज आंसर की एंड चेक योर आंसर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. बाय.